तो रिसेंटली मिथु हैज स्टार्टेड टेकिंग अ डाइट सीरियसली और उसी रीजन की वजह से उसने ये सीड्स मंगाया है टू लेवल अप हर डाइट विच इज़ अ गुड थिंग. आई मीन अभी ये मेरे हाथ में कैसे रहेंगे तो सबसे पहले विल ट्राई दीज थिंग्स. तो अभी मैं वाटरमेलन सीड खा के आपको बताता हूँ कैसा लगता है. काजू जैसा लग रहा है. कैश्यूज ये भी कैश्यू जैसा लग रहा है. पम्पकिन सीड्स सब कुछ काजू जैसा ही लग रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज नो यूनिक टेस्ट. फ्लैक्स सीड्स तो सबको मालूम है कैसे लगते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गुड फॉर योर हेल्थ. ऐसा कुछ मैंने पहले कभी खाया नहीं है. बहुत वियर्ड है. थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स सीड जैसा टेस्ट है. अगर आपको मालूम है फ्लैक्स सीड्स कैसे लगते हैं तो वियर्ड. तो ये सीड्स है ना, इन लोग के बहुत बेनिफिट्स रहते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग माउथ फ्रेशनर्स जो हम लोग यूजुअली डिनर के बाद खाते हैं, ट्राई कंज्यूमिंग दिस सीड्स. जैसे मैंने वेट लॉस के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि आप अगर आपको भूख लगे तो आप चना या फिर पीनट्स खाओ, वैसे ही कि डेस्क पे रखोगे या फिर घर में किधर भी रखो जहाँ पर ज़्यादा आप जाते हो और उसको एक्सेसिबल करो. तो अभी इसे ये बार बार कंज्यूम करेगी और ये हेल्थ के लिए एक प्लस है. गुड जॉब मितु. नाइस. पिछले कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूँ आपको गेम खेलेंगे उसका टाइम आज है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले द गेम.